फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, आज हम हमारा थर्ड लेसन स्टार्ट करेंगे फाइबर टू फैब्रिक। अभी हमने सेकंड फर्स्ट और सेकंड पढ़ लिया और सबने अच्छे से रिवाइज किया, उसको समझ सबको समझ में आ गया पूरा लेसन कि दोनों लेसन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज हम हमारा लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 3 का नाम क्या है? फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक का मतलब क्या होता है, किसी को पता है फाइबर टू फैब्रिक मतलब क्या? फाइबर मतलब क्या पता है? नहीं तो अब ये लेसन में फाइबर मीन्स थ्रेड। एक जो थ्रेड होता है उसमें से पूरा जो कपड़ा होता है फैब्रिक वो किस तरीके से बनता है, उसमें कौन सी अलग अलग प्रोसेस होती है, वो सब हम ये लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर देखो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहली है वो जो won the prize in science quiz competition held at their school। पहली और वो जो है उन्होंने साइंस कंपटीशन उनके यहाँ पे था उसमें उनको फर्स्ट प्राइज मिला। They were very excited and decided to use prize money to buy clothes for their parents। और दोनों को जो प्राइज में मनी मिले तो उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि वो उससे नए कपड़े खरीदने के उनके पेरेंट्स के लिए। When they saw a large variety of clothes materials, they got confused। जब उन्होंने बहुत सारे टाइप के अलग अलग मटेरियल देखे तो वो कंफ्यूज हो गए। The shopkeeper explained that some clothes or fabric were cotton and some were synthetic। जो शॉपकीपर था उसने उन्हें ऐसा समझाया कि कुछ जो है वो मटेरियल क्लोथ के है, कुछ सिंथेटिक है, उससे अलग अलग है। ठीक है, They also had woolen mufflers and shawls। और जो और शॉपकीपर्स के पास woolen मफलर भी है और shawls भी है। shawl, woolen मफलर और shawl हम मोस्टली विंटर सीजन में यूज करते हैं। There were many silk sarees as well। और तो और बहुत सारी सिल्क की साड़ी भी थी। सिल्क की साड़ी जो मम्मी पहनती वो सिल्क साड़ी। They felt very excited। अब वो बहुत excited हो गए। They touched and felt this different fabric। अब उन्होंने उसे टच किया और उसको फील किया कि कैसे अलग अलग होते। सिल्क को हम टच करेंगे तो कैसा होगा, बहुत स्मूथ लगेगा। कॉटन में होगा तो वैसा नहीं होगा, कॉटन में समझ में आया तो वैसा उन्होंने फील किया। फाइनली दे बॉट अ वूलन मफलर एंड कॉटन साड़ी। और फिर उन्होंने एक मफलर और कॉटन साड़ी खरीदी। क्या किया उन्होंने, एक कॉटन और एक मफलर और उन्होंने एक साड़ी खरीदी। कॉटन की साड़ी और मफलर उन्होंने खरीदा। आफ्टर देयर विजिट टू क्लोथ शॉप, अब क्लोथ शॉप के बाद पहले वो जो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग्स। अब उन्होंने एक बार विजिट लिया उसके बाद अब वो उनके आजू बाजू में जितने भी जगह में फैब्रिक दिखाई देता है वो सब वो सब फैब्रिक को नोटिस करते हैं। दे फाउंड देयर बेडशीट, ब्लैंकेट, कर्टेन, टेबल क्लॉथ, टॉवेल, डस्टर वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फाइबर्स। और उन्होंने एक चीज नोटिस की कि जो बेडशीट होती है जो हम बेड पर डालते हैं वो, ब्लैंकेट जो हम ठंडी में होते हैं वो, कॉटन्स हम विंडो पे लगाते हैं डोर पे वो, टेबल क्लॉथ्स, टॉवेल्स एंड डस्टर जो होते हैं वो आर मेड अप फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। ये सब चीज़ें जो है अलग अलग फैब्रिक अलग अलग कपड़े से बनी होती है, ऐसा उन्होंने नोटिस किया। बट इवन द स्कूल बैग एंड बनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। और इसके अलावा उनकी जो स्कूल बैग है और बनी बैग्स जो है वो अलग तरीके के फैब्रिक से बनी होती है। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज कॉटन, वुल, सिल्क और सिंथेटिक। उन्होंने ये जो फैब्रिक है उसको नोटिस करने की कोशिश की, उन्होंने पहचानने की कोशिश की, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि कौन से तरीके का ये फैब्रिक है। कैन यू आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स, क्या तुम्हें पता है, आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स
चलो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, एक जो अपने आसपास में टेलर की शॉप हो वहाँ पे आप विजिट करो। कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, और वहाँ पे उन्हें ऐसा बोलो कि उनकी जो भी कटिंग हो गई है, जो ड्रेस सिल गए उसमें से जो थोड़ा थोड़ा फैब्रिक बचा है वो सब आप कलेक्ट कर लो। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, अब फील करो और टच करो सारे फैब्रिक्स को। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ फैब्रिक एज, अब कुछ जो फैब्रिक्स हैं उनको लेबल करने की कोशिश करो, जैसे कि कॉटन, सिल्क, वुल और सिंथेटिक। कॉटन को, सिल्क को, वुल को, सिंथेटिक। आस्किंग फ्रॉम हेल्प फ्रॉम टेबल, हेल्प फ्रॉम टेलर, टेलर की मदद से उन्हें लेबलिंग करो ऐसा बोला। डू यू वंडर व्हाट दिस डिफरेंट फैब्रिक आर मेड अप ऑफ, क्या तुम्हें पता है ये अलग फैब्रिक किस चीज से बना है। व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक, जब तुम कोई भी फैब्रिक की तरफ देखते हो, इट सीम्स कंटिन्यूअस पीस, वो कैसा है, कंटिन्यूअस पीस हमें दिखाई देता है, ठीक है। नाउ लुक एट इट क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस, उसको बहुत ऐसे पास से अच्छे से ऑब्जर्व करो तो क्या दिखाई दे रहा है आपको। ये एक्टिविटी वन, इसमें वैरायटी ऑफ फैब्रिक हम समझेंगे। एक्टिविटी टू, सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल इन एक्टिविटी वन। एक्टिविटी वन में जो हमने एक फैब्रिक का टुकड़ा लिया उसमें हम लेबल करेंगे वही उसको लो। ट्राई टू फाइंड लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ एजेस एंड पुल इट आउट, अब जो है हमने इतना टुकड़ा लिया है इसका, उसके कहीं कोने में एक साइड में से जो दोरा निकल रहा है थ्रेड, यहाँ से थ्रेड अगर निकल रहा है तो उसको खींचो, थ्रेड उसमें है। Thank you.
तो मैंने टाइम द एंड ऑफ स्ट्रैंड इज सेपरेटेड इनटू फ्यू थिन स्ट्रैंड्स और बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारा थ्रेड है बहुत फ्यू और दूसरे इसमें स्प्रेड हो जाता है, फ्यू थिन स्ट्रैंड्स में स्प्रेड हो जाता है, कुछ और पतली स्ट्रैंड्स में उसको और सेपरेट हो जाता है। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास थ्रेड थ्रू द आई ऑफ नीडल और ये दो हो जाते हैं। इसके बाद इससे क्या होता है कि हम सुई में जो धागा है वो डालने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसमें एक छोटा सा होल होता है तो उसमें एक ही एंड रहेगा, दो होते तो वो दो इजीली नहीं जा सकते। द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर और जो हमने छोटा स्ट्रैंड देखा थिन स्ट्रैंड ये वो किससे बना है तो वो उससे भी पतले स्ट्रैंड से बना है जिसको हम फाइबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फाइबर बोलेंगे, फाइबर से वो बना हुआ है। ठीक है, फाइबर्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर। फाइबर जो है वो यार्न से बने, फाइबर आर मेड अप ऑफ यार्न्स, यार्न्स समझ में आया। फाइबर जो है आर मेड अप ऑफ यार्न्स, यार्न्स में से बने। फाइबर मतलब छोटा सा डोरा, छोटा सा थ्रेड है वो पूरा मिल के एक यार्न बनता है एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर और वो दोनों एक दूसरे से बने हैं ऐसा बोल रहे हैं। फाइबर यार्न से बना है, यार्न फाइबर से बना है, वो कैसे तो हम आगे देखेंगे। द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क, वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। जो कुछ फाइबर्स होते हैं वो हमें कॉटन, जूट, सिल्क, वूल ये क्या है प्लांट या तो एनिमल में से मिलते हैं और इनको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल फाइबर्स। क्या बोलेंगे? नेचुरल फाइबर्स। हम लिख देते हैं अब थोड़ा, चलो अपने नोटबुक निकालो। तो अपने नोटबुक निकालो, ऊपर हेडिंग डाला लेसन नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। तो फाइबर्स, द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स such as cotton, jute, silk, and wool are obtained fibers of some fabric, some fiber.
क्या कुछ फाइबर जो है हमें प्लांट और एनिमल में से मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर्स बोलेंगे, जैसे कि कॉटन। कॉटन जो है हमें पता है ग्रो होता है प्लांट में, तो प्लांट में से जूट, वो भी प्लांट में से। सिल्क जो है कॉन्ट्रैक्टोफिक और छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनमें से। और वुल जो है वो हमें पता है कि वुल कहाँ से मिलता है, शिप में से। तो ये जो है एनिमल में से, तो ये प्लांट में से और ये एनिमल में से। तो ये हमें प्लांट और एनिमल में से मिलने वाले जितने भी फाइबर्स होते हैं उनको हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लो अपने नोटबुक में, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे। चलो अब कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। और प्लांट में से हमें कौन से मिलते हैं फाइबर्स? तो कॉटन एंड जूट, कॉटन और जूट जो है हमें प्लांट में से मिलते हैं। तो ये क्या है, प्लांट में से ऑब्टेन्ड वाले होने वाले फाइबर्स। और वुल और सिल्क जो है हमें एनिमल में से मिलते हैं। सिल्क और वुल एनिमल में से मिलते हैं। Wool is obtained from fleece of sheep or goat. Wool जो है जैसे मैंने आपने बताया वो fleece of sheep, sheep में से या तो goat में से हमें मिलता है। It is also obtained from the hairs of rabbit, sheep में से मिलता है। उसके अलावा हमें rabbit के hair में से, yak के hair में से and camel में से, इन सब में से भी हमें मिलता है। समझ में आया? बुक में भी मेंशन किया, बुक में मेंशन किया है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्क वर्म। सिल्क जो है हमें कोकून ऑफ सिल्क वर्म, एक इंसेक्ट होता है छोटा, उसमें से हमें मिलता है। कॉटन और जूट हमें पता चल गया किसमें से मिलता है, कॉटन जूट जो है दोनों प्लांट में से मिलता है हमें। एनिमल में से हमें वुल एंड सिल्क और केमिकल सब्सटेंसेस से भी बनने
which are not obtained from plant or animal. और वो क्या है, केमिकल में से बनते हैं, केमिकल सब्सटेंस में से हमें प्लांट या तो एनिमल में से नहीं मिलते. दिस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. और जो हमें केमिकल सब्सटेंस में से मिलते हैं और कॉटन प्लांट और एनिमल में से नहीं है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, सिंथेटिक फाइबर. जैसे इसको हमने नेचुरल फाइबर्स बोला, तो वैसे ही सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं उसके अपोजिट होते हैं. ठीक है, चलो मैं इधर डेफिनेशन लिखती हूँ. The fibers are also made from chemical. ये सब क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस में से बनते हैं और ये सारे
पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। फाइबर मतलब थ्रेड, फैब्रिक मतलब कपड़ा, थ्रेड में से कपड़ा किस तरीके से बनता है, हमें ये लेसन में वो सब पढ़ना है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक होते हैं और अलग अलग फैब्रिक हमें, कुछ फैब्रिक से वो प्लांट में से, कुछ हमें एनिमल में से मिलते हैं और कुछ फैब्रिक्स जो होते हैं वो हमें केमिकल सब्सटेंस में से बनते, नेचुरली नहीं मिलते। और वो कौन से है, तो पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, ये जो है वो सिंथेटिक फाइबर है। और नेचुरल फाइबर्स कॉटन, जूट, वुल, सिल्क, ये सारे क्या है, नेचुरल फाइबर्स है जो हमें प्लांट में से और एनिमल में से मिलते हैं। समझ में आया सबको? और आज जितना भी मैंने लिखाया है वो सबको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। वर्कशीट जो मिलेगी A4 साइज के पेपर में ही लिखनी है, नीट और क्लीन राइटिंग में उसके मार्क्स मिलेंगे। समझ में आया? अब कॉटन प्लांट फाइबर्स, अब हमने इतना पढ़ लिया, कॉटन, जूट, वुल, सिल्क। कॉटन जूट जो है प्लांट में से मिलता है, वुल और सिल्क एनिमल में से मिलता है, और सिल्क जो है वो कहाँ से मिलता है, कोकून ऑफ सिल्क फॉर्म, है ना। और कॉटन और ये प्लांट में से, और वुल जो है वो हमने पढ़ा कि शिप में से, या तो रोट में से, या हेयर ऑफ रैबिट, या कैमल्स, उसमें से हमें मिलता है। ठीक है, हमें इतना पूरा दिया है अब वर्कबुक, सॉरी टेक्स्ट बुक में, तो इतना समझ में आ गया सबको कि अभी हमने जितना पढ़ा है प्लांट और सिंथेटिक फाइबर्स में, उसमें सॉरी नेचुरल में और सिंथेटिक फाइबर में, उसमें कोई कुछ नया नहीं है, बस बताया है कि एग्जांपल्स ये आते हैं, ये सारे प्लांट में, नेचुरल में और सिंथेटिक में ये आते हैं फाइबर्स, और सिंथेटिक मतलब क्या और नेचुरल मतलब क्या, दोनों में क्या डिफरेंस है। हैव यू एवर मेड विक ऑफ ऑयलिंग्स, व्हाट डू यू यूज फॉर दिस मेकिंग दिस विक्स, दिस कॉटन वूल इज यूज फॉर फिलिंग मैट्रेस क्वाइट्स एंड पिलो। हमारे घर पे जो हमारे मैट्रेस हैं, हमारे बेड के ऊपर जो मैट्रेस डालते हैं गलती, वो हमारी पिलो जो है वो सब चीज़ से कभी नोटिस किया कि वो सब चीज के अंदर क्या भरा होता है, उसके अंदर कॉटन भरा होता है। टेक सम वूल, कॉटन वूल, कुछ कॉटन ले लो, वूल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। अब उसको ऐसे करो और फिर उसके एज कोने में देखो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुमने क्या ऑब्जर्व किया, द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर। एक टुकड़ा ले लो और उसको ऐसे खींचो कोने में से और फिर बाद में निकालो, तो क्या नोटिस करोगे, वहाँ पे वो कॉटन फाइबर से बना है, थिन स्ट्रैंड, एक पतला सा थ्रेड जैसा है उससे वो बना हुआ है। वेयर इज कॉटन वुल कम फ्रॉम, कॉटन वुल कहाँ से मिलता है, मतलब कॉटन हमने पढ़ा प्लांट में से, पर प्लांट में किस तरीके से होता है सब प्रोसेस वो अब हम आगे पढ़ेंगे। वेयर डज कॉटन वुल, इट इज ग्रोन इन फील्ड, ये कहाँ पे ग्रो होता है, फील्ड में, जैसे हमने आगे पढ़ा फील्ड के अंदर हमको पता है वीट, ग्रेन, वैसे कॉटन जो है वो भी फील्ड में, खेत में ही उगता है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग रेड सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कॉटन कहाँ पे उगता है, तो वहाँ पे जहाँ पर ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट हो, काली सॉइल होती है अपनी ब्लैक सॉइल और क्लाइमेट जो है वार्म गर्म हो वहाँ पे। कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ अवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन, क्या बता सकते हो कहाँ कहाँ कॉटन ग्रो होता है। रूट्स ऑफ कॉटन बॉल आर अबाउट साइज ऑफ लेमन, जो कॉटन बॉल जो उसके फ्रूट्स होते हैं वो एक लेमन की साइज जितने होते हैं। आफ्टर मैच्योरिंग बॉल्स बर्स्ट ओपन, मैच्योर होने के बाद वो फट के ओपन हो जाते हैं। एंड सीज कवर विद कॉटन फाइबर कैन बी सीन, और जो कॉटन फाइबर्स के अंदर की सीड्स होते हैं। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग, क्या तुमने कभी कॉटन फील्ड देखी है
जिसमें से अभी वाटर निकालना ही हो वैसे इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो। और वो जो कॉटन फील्ड होती है जहाँ पे बस कॉटन हम निकालने के लिए है वो पूरा हमें स्नो जैसा दिखाई देता है कि फील्ड जो है पूरी कवर्ड है स्नो से, बर्फ से पूरे फील्ड कवर है, ऐसा हमें दिखाई देता है। ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। आज हमने जितना पढ़ा ये सब सिंथेटिक नेचुरल प्लांट में से कौन से फाइबर्स मिलते थे हमें, एनिमल में से कौन से सिंथेटिक कौन से, वो सब आपको घर पे ये लॉकडाउन करने के बाद अच्छे से एक बार लिखना भी है सो दैट इजीली आपको इतना याद हो जाए। ठीक है।